अरशद ने जब इतना सुना कि हमें इशराफ लग चुका है, हमारी शाख में दिन मृत्यु हो जाएगी, संसार से अलविदा हो जाएंगे, चले जाएंगे, आंखों में आंसू भर के बोले महाराज जी माफ कर दो। अरे गलती हो गई, और गलती तो बच्चों से बनती रहती है। कहने लगे तुम्हें नहीं माना, तुम्हें नहीं मारा, तो एक बार अगर जो महात्मा के मुंह से निकल जाती है वो कभी वापस नहीं आवा जाती है। अगर तीर अगर कमान से निकल जाए वो वापस नहीं आता है। उसी प्रकार से अगर हमने जो इशराफ आपको दे दिया है अब वो वापस नहीं हो सकता। तो बड़ी सुंदर चौपाई लिखी हुई है तुलसीदास जी, कह रहे थे कि मोर वचन पर जाएगा दीपा, लिखी हुई है कि मोर वचन पर जाएगा दीपा, संत वचन पत्थर की लीपा। एक बार अगर संतों ने कह दिया है, महाराजों ने अगर अपनी वाणी अगर से जो आपको अर्पण कर दिया है वो कभी वापस नहीं होता। परिचित कहने लगे महाराज अब तुम्हारे हाथों में हमारी जिंदगी है, या मार दो या बचा लो। कहने लगे अब हम बचा तो तुम्हें नहीं सकते, पर एक उपाय है। हरी हर गंगा के किनारे श्री सुखदेव की व्यास नंदन कथा को श्रवण बना रहे हैं,